अब वक्त हो चला है कुछ और खबरों का, और खास तौर पर जिस तरह से वोटिंग ट्रेंड को लेकर हम आपको रोजाना अपडेट करते हैं, ताकि 4 तारीख को जब परिणाम जारी हो तो आपके दिमाग में कोई कंफ्यूजन ना रहे। लोकसभा की सीटों का सियासी गणित हम आपको समझा रहे हैं। इसी कड़ी में आज हम बात करने वाले हैं हिमाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश की 2 सीटें धार और खरगोन की। लोकसभा सीट का वोटिंग ट्रेंड आपको बताएंगे, बीते चुनाव में क्या वोटिंग ट्रेंड रहा ये भी हम आपको बहुत आसान तरीके से समझाएंगे। तो सबसे पहले बात आज करी जाएगी हिमाचल प्रदेश की सबसे हॉट सीट, पूरे देश की अब इसे समझ लीजिए चर्चित सीट है मंडी। और चर्चा इस वजह से भी क्योंकि यहां जो प्रत्याशी है वो अपने आप में खास है। बीजेपी की तरफ से बॉलीवुड की क्वीन कंगना रनौत मैदान में है, और इस फाइट को दिलचस्प बना दिया है कांग्रेस ने। राजघराने से आने वाले विक्रमादित्य पर दांव लगाया है। वीरभद्र सिंह के ये बेटे हैं, मौजूदा सरकार में ये मंत्री भी हैं। अब ये लड़ाई हो गई है क्वीन बनाम किंग की, कौन किस पर भारी पड़ेगा ये तो जो जब जून में नतीजे आएंगे तब क्लियर होगा। लेकिन मंडी का वोटिंग ट्रेंड क्या है, बीते चुनाव में किसका पलड़ा भारी रहा, मौजूदा चुनाव में ट्रेंड क्या है, इससे हम समझने की कोशिश करेंगे। ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बताते हैं कि किस तरह का सीट, किस तरह का इतिहास मंडी लोकसभा सीट का रहा है। एक बात और है, बड़े दिलचस्प समीकरण इसके साथ जुड़े, वो मैं आपको टाइम टू टाइम बताता रहूंगा। 2009 में 64% से ज्यादा वोटिंग, 2014 में 63% से ज्यादा वोटिंग, 2019 में जैसे कि लहर का जिक्र हम हर बार करते हैं 73% वोटिंग यहां हुई, लेकिन जब 2021 में उपचुनाव हुए तो सिर्फ 57% यहां पर वोटिंग हुई। उपचुनाव में कांग्रेस के खाते में यह सीट गई थी, विक्रमादित्य की जो माता जी हैं प्रतिभा सिंह उनके पास ये सीट थी। अब जीत का मार्जिन 2009 में 13,900 करीब 14,000 की लीड कांग्रेस के खाते में, 2014 में 39,000 की लीड और सीट बीजेपी के खाते में, लेकिन 2019 में एकदम बंपर मार्जिन होता है 4,00,000 से ज्यादा का। फिर 2021 में उपचुनाव होते हैं 8,766 की लीड, जो बहुत बड़ी लीड आमतौर पर नहीं मानी जाती लोकसभा चुनाव के लिहाज से। और ये आपने देखा कि किस तरीके से मार्जिन रहा है। वोट शेयर की बात कर ली जाए, 2014 में 49% वोट, 49 तकरीबन 50 बीजेपी के खाते में, 44% से थोड़ा ज्यादा कांग्रेस के खाते में, अंतर यहां 5% के आसपास। 2019 में किस तरह का ट्रेंड रहा, 68% बीजेपी के खाते में चले गए, 25% से ज्यादा कांग्रेस के खाते में रहे, और अंतर यह तकरीबन 43% का बैठता है। लेकिन इसके बाद फिर उपचुनाव जिसका हमने जिक्र किया उसने स्थितियों को थोड़ा सा चेंज कर दिया। ये मंडी लोकसभा की स्थितियां, अब कुल चुनाव यहां पर 17 हुए, बीजेपी के खाते में 5, कांग्रेस के खाते में 11, जनता पार्टी के खाते में 1 चुनाव यहां पर गया है। राज परिवार से प्रभावित, बहुत ज्यादा प्रभावित ये सीट रहती है। एक संयोग इसे कहा जाता है कि जिसकी मंडी लोकसभा में जो सांसद होता है केंद्र में उसी की सरकार होती है। हालांकि प्रतिभा सिंह के होने के बावजूद केंद्र में कांग्रेस की सरकार नहीं है। मंडी लोकसभा की स्थितियां आपने देख ली, कितने चुनाव हुए। अब जो मामला दिलचस्प हो गया, क्यों हो गया, एक तरफ है कंगना रनौत क्वीन, विक्रमादित्य सिंह कांग्रेस की तरफ से जिन्हें हम कह रहे हैं किंग, और इस फाइट, यही वजह है कि ये जो पूरी फाइट है वो दिलचस्प हो गई है। अब राजेंद्र शर्मा शिमला से हमारे सहयोगी हैं, सीधा हम आपको उनके पास लिए चलते हैं। राजेंद्र, हम लगातार हिस्ट्री बताते हैं एक सीट की, और आप तो खैर खबरों को इतने लंबे अरसे से देख ही रहे हैं, फाइट बहुत दिलचस्प हो गई है, किस तरह से मुद्दों की चर्चा है, बयानों की चर्चा है, और क्या सिनेरियो बनता नजर आ रहा है जब हम लोगों के बीच घूमते हैं तो, पूरे देश की निगाह इस सीट पर है। राजेंद्र। बिल्कुल ललित, और फाइट दिलचस्प पहले दिन से हो गई है। जैसे ही कंगना रनौत का टिकट घोषित हुआ भाजपा की तरफ से, जो कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं सुप्रिया सुमित, उनकी तरफ से एक ट्वीट आता है कि मंडी में क्या भाव चल रहा है, उसके बाद फिर भाजपा ने हाथों हाथ इस ट्वीट को लिया, महिलाओं के अगेंस्ट इसको बताया, और माफ़ी भी सुप्रिया सुमित की तरफ से मांगी गई, और कहा गया कि मेरा सोशल मीडिया अकाउंट हैक था या किसी और की तरफ से ऑपरेट किया गया था। लेकिन उसके
बाद फिर तुरंत ये सीट पूरे देश में आ जाती है, क्योंकि चर्चा इस ट्वीट की भी होती है और कंगना रनौत अपने आप में बॉलीवुड हस्ती हैं, उनकी चर्चा तो जरूरी है। जिस प्रकार से सटीक और सीधे बयान कंगना रनौत देती है, उसके बाद फिर मंडी में आने के बाद फिर दोनों प्रत्याशियों, भाजपा और कांग्रेस के दोनों प्रत्याशियों, कंगना रनौत की तरफ से भी सीधी टिप्पणी आना फिर शुरू होगी। जैसे ही सुप्रिया सुनीत का ये ट्वीट आया, ये सोशल मीडिया पर रिएक्शन आया, उसके बाद फिर सीधे हमले कंगना रनौत की तरफ से भी होना शुरू हो गए। भाजपा के पूरे राष्ट्रीय स्तर की तरफ से भी सीधे हमले शुरू होना शुरू हुए और वो हमले विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों की तरफ से अब तक जारी हैं, अब तक लगातार आक्रमण दोनों की तरफ से किए जा रहे हैं। और विक्रमादित्य जिस परिवार से आते हैं, उस परिवार का लंबे समय तक कब्जा, जैसा कि आपने अभी बताया, भी मंडी संसदीय सीट पर रहा है। दरअसल ये सीट इसलिए भी दिलचस्प हो जाती है क्योंकि जियोग्राफिकली अगर हम देखें तो ये सीट बहुत बड़ी है। अगर भारत में जियोग्राफिकली दूसरे नंबर पर ये सीट आती है, इतना बड़ा क्षेत्र है और अलग अलग रीज़न है। एक ऐसा रीज़न भी है लाहौल स्पीति और किन्नौर का, जहाँ बर्फबारी लगातार होती है। मंडी के निचले क्षेत्रों की अगर हम बात करें, मंडी ज़िला के, तो वहाँ टेम्परेचर बहुत हाई होता है। एक ही समय में इस सीट पर अलग अलग जियोग्राफिकल कंडीशंस भी देखी और वेदर और वही सियासी ताप भी आपको नजर आ रहा होगा एक ही समय पर अलग अलग। बहुत बहुत शुक्रिया राजेंद्र आपका इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी राजेंद्र हमें विस्तार से जानकारी दे रहे थे। दो खास मेहमान आपको और नजर आएंगे, प्रदीप जोशी साहब वरिष्ठ पत्रकार, वो हमारे साथ, सौरभ दुबे राजनीतिक विश्लेषक, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सीधा सौरभ जी के पास आपको लिए चले, बहुत स्वागत आप दोनों का। सौरभ जी, सीधा सवाल आपसे मेरा ये कि मंडी को लेकर हमने हिस्ट्री बताई है और राज परिवारों के दबदबे वाली सीट, ज्यादातर कब्जे वाली सीट, कंगना को यहां से उतारा गया, सामने विक्रमादित्य और फिर सिनेरियो टाइट फाइट जैसे हो गए, इन सब के बीच आप क्या देख रहे हैं 4 जून की तस्वीर? जी सौरभ, कि जो लोकसभा सीट है उस पर जो घमासान है वो निश्चित रूप से दोनों पार्टियों के बहुत ही मजबूत कैंडिडेट, देखिए कंगना रनौत जी निश्चित रूप से कोई चेहरा वहां की नहीं रही है, लेकिन एक प्रकार से वो हिमाचल प्रदेश की बेटी के रूप में जानी जाती रही है। जिस प्रकार से उन्होंने जो है एक उद्धव ठाकरे के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया था, जिस प्रकार से उनके उनके बीच में एक घमासान चल रहा था महाराष्ट्र में उनको लेकर के, तो उसके बाद वो काफी जो है उनका झुकाव जो है राजनीति की तरफ गया और कहीं ना कहीं उनको जो है एक हिमाचल की बेटी के रूप में हिमाचल के लोगों ने जो है वो स्वीकार कर लिया कि हमारी बेटी। तो बड़ी काशी, बड़ी काशी की तस्वीर तो समझ आती है, छोटी काशी को कैसे देख रहे हैं आप? नहीं देखिए, मैं वही चीज बता रहा हूँ आपको कि जो दूसरे कैंडिडेट है कहीं वहां पर, वो भी कांग्रेस पार्टी ने बहुत मजबूत उतारा है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के राज परिवार के वो व्यक्ति हैं जिन्होंने अभी सीधा सीधा टकराव दिया था मुख्यमंत्री के चेहरे को, उन्होंने विरोध किया था मुख्यमंत्री का, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री का, और कहीं ना कहीं पूरी सरकार जो हिमाचल प्रदेश की वो अस्थिर कर दी थी उन्होंने, तो उनका एक दबदबा रहा है पहले भी और माना जाता है कि वो एक जो है मजबूत व्यक्ति, मजबूत स्थान उनका हिमाचल प्रदेश के अंदर है। लेकिन जिस सीट की हम बात कर रहे हैं, वहां पर मुझे लगता है इस बार जो कांग्रेस पार्टी के आपस में टकराव है, जो कांग्रेस के लोग नाराज हैं एक दूसरे से, तो वो कहीं ना कहीं विक्रमादित्य को समर्थन नहीं मिलता हुआ दिख रहा है जहां तक मुझे लग रहा है, और उसका फायदा कहीं ना कहीं कंगना रनौत जी को मिलता हुआ दिख सकता है, और यही नुकसान कांग्रेस पार्टी को और विक्रमादित्य को एक है, वो नुकसान ये हो सकता है उनको ये पूरे